ये कॉलेज में, एंड फाइनली हुआ वो सोच के ही हम लोग बहुत खुश थे, और फिर देन क्राउड का रिस्पांस भी देख के तो और भी खुश हो गए। सबसे बड़ी बात है स्पेशली फर्स्ट टाइम मुंबई, वो भी पनवेल जैसे न्यू बॉम्बे में, यहाँ के लोगों के लिए तो दैट इज वेरी बिग थिंग फॉर अस। और इसके अलावा ऐसा लगता है कि मेहनत रंग लाई है इसने। बहुत बहुत बहुत, इतने दिनों की मेहनत पूरी रंग आई है, क्राउड का रिस्पांस, आर्टिस्ट का रिस्पांस, सबका देख के हमारा पूरी मेहनत। क्या एंटरटेनर था खुद, वो कंटिन्यूअसली थैंक कर रहा था क्राउड को, कंटिन्यूअसली थैंक कर रहा था बाकी लोग को जिसने ये इवेंट खड़ा किया है, तो ऐसा हम्बलनेस देख के बहुत अच्छा लगा। और काफी अच्छे मैसेजेस भी उन्होंने पास किए अबाउट हाउ टू लिव इन सोसाइटी, कैसे रहना है अपने पेरेंट्स के साथ, सो दैट इज समथिंग नाइस अबाउट दिस आर्टिस्ट। फॉर दिस शो ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र इनफैक्ट लोग आए हुए हैं, लोग औरंगाबाद, नासिक, पुणे, सब जगह से शो के लिए आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऑल द वे मुंबई ट्रैवल करके लोग हमारे इस एलेग्रिया 2018 फेस्टिवल के लिए आ रहे हैं। और गुरु रंधावा जी ने तो एकदम यहाँ पे धमाका मचा दिया, हमारे सारे स्टूडेंट्स बहुत ही खुश है, एंड हर एक साल हमारा एलेग्रिया 2018 कुछ ना कुछ नया करता ही है, और ये तो बहुत ही सुपरहिट शो था इस साल के लिए। तो आपको लगता है कि एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी लोगों की, और एक्सपेक्टेशन हाँ। भी बढ़ जाएगी लोगों की, क्योंकि गुरु रंधावा इस साल आ चुका है, तो लोग अगले साल एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई नया ही आए, तो क्या नेक्स्ट होने वाला है? ये 6 साल में फेस्टिवल बड़ा ही होते जा रहा है, जैसे लास्ट ईयर भी न्यूक्लियर चेतस ये सब हमारे कॉलेज में स्टार्टिंग से आ रहे हैं, और अब फर्स्ट टाइम गुरु रंधावा बॉम्बे में कोई कॉलेज में आया तो यहाँ आया है, सो आई थिंक इट्स ओनली गेटिंग बिगर, एंड कंपेयर करेंगे बाकी कॉलेजेस से तो हम हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, बाकी फॉलो करते हैं। थैंक यू।